हरियाणा के अंदर आपकी सरकार है, वहां दो नासिर और जुनैद को जिंदा जलाया गया, और कानपुर के अंदर ब्राह्मणों की बच्चियों को, दो को जिंदा जलाया गया, वो जले गए, उसको कह दिया गया कि हम बुलडोजर लेके चले आए थे। अरे आप जिस बात को सच कहना करना चाहते उसे आप करते हो, इसीलिए मैंने आते ही कहा था आपकी पार्टी शातिर लोगों की पार्टी है, और शातिरता वो साबित कर रहे हैं उदाहरण के साथ कि शातिर लोगों की पार्टी है। जल्दी से शातिरता का सबसे बड़ा नमूना, गांधी कांग्रेस के थे आपने छीन लिए, पटेल कांग्रेस के थे आपने छीन लिए, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के थे आपने छीन लिए, मुझे तो लगता आप कांग्रेस पार्टी से इंदिरा गांधी ना छीन लें। दोनों पर जवाब दीजिए। लेकिन इसी के साथ एफआईआर इसलिए नहीं कर रहे क्या स्वामी प्रसाद मौर्य पर? आप नहीं चाहते काउबेल्ट में मंडल वर्सेस कमंडल हो? आप डरते हैं मंडल वर्सेस कमंडल हो गया तो फंस जाएंगे। उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, और जो कानपुर की घटना है उसके ऊपर कम से कम चार बड़े अधिकारियों पर सीधे कार्रवाई हो चुकी है। मगर शातिर जानते क्या होता है, वो बिहार का शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर एक मिनट का खुला अपमान किया, उस पे जवाब चाहते हैं। मैं उसी पे कह रहा हूं, सत्ताधारी दल है सर, मैं उसी पे सत्ताधारी दल आप नहीं नहीं नहीं, अरे बोलो वही कह रहा हूं, उसूलों पे अगर आ चाहे तो टकराना जरूरी है, और जिंदा है हमें अगर तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। अब बोलो जवाब दीजिए, क्या होता है जो बिहार का शिक्षा मंत्री है? अरे आचार्य अब आप बोल चुके, अब मैं बोलू, अच्छा अब मैं बोल सकता हूँ, अब मैं बोल सकता हूँ, राजीव जी से बात कर रहा हूँ। इधर इधर देखिए आचार्य जी, कांग्रेस को कहिए बिहार में सरकार, बिहार में समर्थन, बिहार के मंत्री समर्थन से सरकार में है, उसूलों पे असर आए तो टकराना जरूरी है। नहीं जब सुनिए, जब हिंदुत्व पे आघात हो, अब जवाब दीजिए, सॉरी जवाब दीजिए, आघात हो तो चिल्लाना मंडल वर्सेस कमंडल ना हो जाए, दूसरी जगह पे आघात हो तो मिमियाना जरूरी है। जवाब दीजिए, आपके सामने प्रूफ हो गया कि कितने शातिर हैं, अपने यहाँ को तुरंत जो भाई आप बताइए, आप सरकार देखिए वापस जवाब देने भाई, केंद्र में उनको जवाब देने दीजिए सर। हाँ भाई यही तो मैंने कहा ना, जवाब दीजिए, सरकार में शामिल है वो मंत्री, इनके दम पे सत्ता में है, कह रहे एफआईआर हो गई है। अरे एफआईआर तो छोड़िए, इन्होंने एक सेंटेंस बोला उसके खिलाफ, कांग्रेस का अधिकारी प्रवक्ता ने बोला, बोलिए अभी ये बोल चुके हैं कांग्रेस का अधिकारी प्रवक्ता नहीं है, बोलिए आधिकारिक प्रवक्ता ने बोला है कभी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ? ना कभी नहीं बोलेंगे, कांग्रेस पार्टी का एक बयान बोलिए, यही तो मैंने कहा जब जब हिंदू धर्म पे आघात हो तो विपक्ष करे, अरे ये लोग खाली सत्ता लेंगे, अरे भाई आप सत्ता में बिहार में ये लोग विपक्ष में नहीं है, सत्ता में है, मैं सत्ता से सवाल पूछ रहा हूँ, कुछ सत्ता से सवाल पूछ रहा हूँ भाई, बिहार में आप सत्ता में है, आपकी है। अच्छा दूसरा, जब सत्ता थी तो ये सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लिख के, अपने अपने टर्न पे बोलिए सर, दर्शकों के साथ न्याय करिए, हमें कह रहा हूँ ये तो हलफनामा कोर्ट में दे चुके, देखिए कई बात से ज्यादा महत्व होता है जो कोर्ट में लिखा, भगवान राम काल्पनिक थे, आज तक उसके लिए माफी नहीं मांगी, माफी नहीं मांगी, झूठ बोल रहे हैं, माफी नहीं मांगी, आज तक उसके लिए सिर्फ विड्रॉ किया है उसको। ठीक है, मुझे एक एक लाइन के दो तीन सवाल है, जल्दी से बोलिए, जल्दी पूछिए, एक एक लाइन का जल्दी पूछिए, इतना टाइम नहीं है। सवाल बीजेपी से कि हम ये छोटे छोटे चीजें का जवाब राजनीति, ठीक है छोटी बातों पर चुनावी राजनीति क्यों? चलिए सुधांशु सर से कि उन्होंने कहा कि माता पिता पे कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने संसद में नेहरू सरनेम पे सवाल उठाए। ठीक है, मेरा सवाल बीजेपी से है कि बीजेपी कब तक डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स खेलेगी? ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे राहुल गांधी जी ने भी एक बार बोला था कि हम ऐसी मशीन बनाएंगे आलू डालेगा सोना निकलेगा, फिर अभी ये बयान, तो हमेशा स्लिप ऑफ टंग कैसे हो सकता है? चलिए ठीक है, एक आखिरी सवाल जल्दी से। सर मेरा सवाल है कि 370 हटने से उसके बाद हमें लिथियम डिपॉजिट मिला है जेएनके में, क्या बताइए कि अगर आपकी सरकार रहती तो हम वहाँ पे लिथियम डिपॉजिट खोज पाते? और आपसे सर सवाल है, अब अगर लिथियम डिपॉजिट हमने खोज लिया है तो वो सर टेंडर किसे मिलेगा? ठीक है, अच्छा उसके आगे कुछ बोलना था क्या सर? मेरा तो मैं सर, जान रही हूँ कहाँ तो पहुंच रहे हैं आप, आराम से चलिए, अब टाइम नहीं है, जल्दी दोनों जवाब दीजिए, नहीं आप लास्ट में दीजिएगा। हम पहली चीज तो मैं इस बिटिया को बताना चाहता हूँ कि आलू से सोना निकालने का बयान नरेंद्र मोदी जी का था, राहुल गांधी जी का नहीं था।
आलू से सोना जनता को क्यों ऐसा लगा कि राहुल जी का है, वो बच्ची पूछ रही है। आप मित्रों की कृपा है। अच्छा हाँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जी, भी है? जी आप मित्रों की कृपा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की कृपा है। नतमस्तक हूँ आप लोगों के उससे कि राहुल जी के बयान को कांग्रेस इतनी कमजोर है कि बता ही नहीं पाई जनता। आज की डेट में हम लोग मायावी लोग नहीं है। अगला अच्छा आप लोग हम लोग लोग नहीं है, मायावी लोग रावण रथी बीरत रघुबीरा, रथ पर सवार रावण है। टाइम हो गया, लास्ट दूसरे डरने वाला भी। दूसरी बात मैं आपको बताऊं दोस्त, जो आप उसका कर रहे थे ना लिथियम वाला, तो सही बात कह रहे हो, अडानी को ही मिलेगा। चलिए सुधांशु जी देखिए, अब इसको मैं भी वेट कर रही थी, मैंने माइक दिया था, बोल नहीं पाया। बहुत सी चीजें नियति का संकेत होती हैं। जैसे जब 1 जनवरी 1901 को सूरज उगा था तो पूरे देश में अंग्रेज की सरकार थी, 1 जनवरी 1951 को सूरज उगा था तो पूरे देश में कांग्रेस की सरकार थी, 1 जनवरी 2001 को 21वीं सदी के पहले सूरज की पहली किरण पड़ी तो देश में हमारी सरकार थी, अगले दशक में मोदी जी के नेतृत्व में क्लियर मेजोरिटी की सरकार थी, और लिथियम भी धारा 370 हटने के बाद निकला है। इसका मतलब इसमें भगवान 370 का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? मैं कह रहा हूँ भगवान का भी संकेत है, वो कह रहे मायावी लोग हैं। सब सुनिए तो मैं कहना चाह रहा हूँ, यानी नियत का संकेत है कि 19वीं सदी अंग्रेज की थी, 20वीं सदी कांग्रेस की थी, 21वीं सदी भारतीय जनता पार्टी की है, और जापे कृपा राम की होई तापे कृपा करे सब कोई।